संविधान से भी बढ़ के, संविधान पे जो आज़ादी की लड़ाई है उसके पीछे जो 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 भावना थी, और जिस तरह के हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत बात इस हिंदुस्तान की क्या है, जैसे मौलाना आज़ाद ने कहा था कि यह ऐसा देश है जहाँ पे कई कारवां सदियों में कई जगहों से कारवां आए हैं, यहाँ बसे हैं और ज़मीन को अपना बनाया है, और इस ज़मीन में सब लोग शामिल हैं। इस ज़मीन को बांटने की एक कोशिश 1947 में एक कामयाब हुआ था। एक और जो बंटवारा इस वक्त ज़मीन पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर और कानून और उसके हक पर, ये जो बंटवारा करने की जो कोशिश है वो सफल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के आम नौजवान और ख़ास आम नौजवान महिलाएं, कामकाजी जो लोग हैं, इन्होंने साबित किया है कि सरकार की ये साजिश कामयाब नहीं है। NRC की सबका सपना हम लोगों ने तो लिया नहीं है। राष्ट्रपति ने खुद अभी भाषण में संसद में कहा कि NRC आएगी, और जो गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार कहा संसद के अंदर संसद के बाहर के NRC भी होगा और पहले CAA होगा और क्रोनोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। अब इस पूरे जन विरोध को देखने के बाद वो अगर झूठ बोलते हैं तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि इन मतलब 73 साल जो देश के रहे हैं कभी भी इतना कम यकीन हम अपने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और सरकार पर कर सकते हैं कि आज जो कह रहे हैं कल वो कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। ये राइटिंग में वो NRC का जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप एक्ट 2003 में, उसको रिपील करें तब हमें यकीन होगा कि NRC नहीं होगा। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं युवा, युवाओं को लगता है हमारा संविधान खतरे में है और वो अपने संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों पर आए हैं। दो अनक्वालिफाइड लोग युवाओं को बताना चाहते हैं कि हमने जो संविधान में तरमीम की है वो ठीक है, पर युवा जानता है कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। अब युवा जो है जाग चुका है इस देश का, अब ये नहीं रुकेगा। अगर अमित शाह ये कहते हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आपने देखा होगा ये युवाओं के सर पे जो काली पट्टी थी इन्होंने उस दिन से खोल के फेंक दी, आज ये सफेद पट्टी इन्होंने बांधी है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सर से कफन बांध लिया है। जब तक एक एक बूंद क्या कतरा इनके खून का जिस्म में है, ये लड़ाई जारी रहेगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपना ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हम सब हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, सब एक हैं। आज हमको ये मेरे साथ ये अन्याय कर रहा है अमित शाह मोदी, ये नहीं चलेगा। ये वापस ले बिल, वो अपना वापस करें और हम लोग का बाल बच्चा को खुला आज़ादी छोड़े। हम ये नहीं चाहते हैं मेरे मतलब मेरे बच्चे के साथ ये अन्याय हो। नहीं नहीं होगा तो हम लोग अपना धरना वापस नहीं करेंगे। हम लोग भी मर जाएंगे, जब मरेंगे तो जान से, रहेंगे तो शान से। मरेंगे तो जान से और रहेंगे तो शान से। हम अपना बिल वापस नहीं लेंगे। नहीं, झूठ है। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, ये गलत है। जो गलत है, मैं अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अमित शाह और मोदी ये अपना बिल वापस करें, हम लोग अब शांत बैठ जाएंगे। अगर जब तक वो नहीं लेंगे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। भाई हम लोग को बाल बच्चों को आज़ादी चाहिए। हम लोग का ये जब से मोदी बैठा है तब से हम लोग को ये बर्बादी के पीछे धकेल रहा है। ये आज ट्रिपल तलाक पे हो रहा है, ये नोटबंदी के तरफ से हो रहा है, आज ये मुसलमान को निकालने के बाद हो रहा है। क्यों भाई, हम लोग का बाप दादा यहाँ पर आ, हम 6 फुट का जमीन दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे, हम दिखा देंगे। और जो इतना लोग है वो कौन दिखाएगा, सबके पास तो नहीं है कागजात। हम दिखाएंगे, हम 6 पीढ़ी के खानदान का हम कागजात दिखाएंगे। मेरे पास सब सबूत है, जिसके पास नहीं है कुछ मोदी अपना कानून अपना दिखाए। हम 6 पीढ़ी का कागजात दिखाएंगे, मोदी अपना 6 पीढ़ी का दिखाए, हम तब मान लेंगे। इस कानून से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि हम बाहर के नागरिकों को। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है, तो आके खुद बोले, आके जैसे हम लोग रोड पर उतरे हैं वो भी रोड पर उतर के आके बोले हाँ ठीक है हम वापस ले लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे मुसलमान के साथ, ये अन्याय नहीं होगा, हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो जाहिल मोदी और अमित शाह है, जाहिल वो लोग हैं, हम लोग नहीं है। हम गलत लोग के हाथ में हम अपना गद्दी दे दिए, सरकार दे दिए। हमारा जो सड़कों पर उतरने का कारण है वो इस
असंवैधानिक कानून को वापस लेना है जो पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने पास कराया है। ये सड़कों पर उतरना है, धरने प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। आज हमारे साथ पूरे देश की एक मेजॉरिटी हमारे साथ है, हर समुदाय का लोग हमारे साथ है। ये काले कानून को वापस कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इस ये सड़क पर उतरना हमें पड़ा है। जो हो रहा है प्रोटेस्ट उसके लिए निकले हैं बस। और शाहीन बाग पे जो इन लोग 500 रुपए का ये लगाए हैं इसलिए हम लोग निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे हिंदुस्तान बचाने के लिए निकले हैं, 500 रुपए लेने के लिए नहीं निकले हैं। ये रोड पे जो सारे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए वो 500 रुपए लेके नहीं आए हैं, अभी संविधान बचाने के लिए निकले हैं। मोदी को ये देखना चाहिए कि जो रोड पे लोग हैं उनको एक वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलती और वो चले हैं, वो पहले अपना संविधान बचाए, ये सारी चीजें वो बचाए, लेकिन वो गलत चीज करते हैं। जो बच्चे बूढ़े हैं, जो गरीब हैं, उनको नहीं देखेंगे, बेरोजगार को जॉब नहीं देंगे, लेकिन ये लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं कि ये सारी चीज फालतू चीज निकाल के। और हम लोग यही के हैं, हम लोग यही के रहने वाले हैं, हम लोग यही मरेंगे। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है, कोई आजकल एजुकेशन वो डर गए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को फालतू बातों से गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं तो उनको क्या समझ में आएगा, लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए समझ में आएगा। बच्चे बूढ़े लोगों शाहीन बाग में लोग बैठे हैं, एक एक महीने के बच्चे को लेके बैठे हैं, लेकिन वो चीज नहीं दिख रहा है उनको, उनका आंसू नहीं दिख रहा है, लेकिन बस फालतू चीजों में गुमराह कर रहे हैं उनको। और कोई चीज मिला नहीं ना बोलने के लिए, तलाक पे आए कुछ नहीं लोग बोले, बाबरी मस्जिद के लिए आए लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन हमेशा ये गलत चीज कर रहे हैं। जामिया 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 Oh,